नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं भिवानी हलचल। चुनाव की तारीख नजदीक जिस कदर आ रही है, सत्तारूढ़ दल सरकार बीजेपी ने हरियाणा में विपक्ष पर सवालों पर सवाल दागने शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस उनके सवालों का जवाब देने में सक्षम नहीं है। सीएम नायब सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस पर सीधा हमला किया। आप भी सुनिए सीएम सैनी ने एक्स पर क्या क्या सवाल दागे। किसानों को लूटने वाली देश में अगर कोई एक पार्टी है तो वे कांग्रेस है। हरियाणा का किसान तो कांग्रेस द्वारा किसानों की जमीन तक की लूट का गवाह है। चुनाव आने पर किसान हितेशी बनने का ढोंग करने वाली कांग्रेस पार्टी और बापू बेटे से कुछ सवाल पूछते हुए चुनौती देता हूँ कि वे इसका जवाब दें। खबरों के प्रायोजक द प्रोफेशनल केटर्स, लाजवाब स्वाद व बेहतरीन सर्विस के लिए द प्रोफेशनल केटर्स, जहां हर व्यंजन एक स्वादिष्ट कहानी बताता। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हरियाणा को सभी 24 फसलों में एमएसपी देने वाले देश का पहला राज्य बनाया है। कांग्रेस बताए कि अपने 60-70 साल के शासन में कभी भी और कहीं भी सभी फसलों पर एमएसपी दी है। इसके अलावा दूसरा सवाल दागते हुए बोले कि किसानों को सालाना 6,000 देने की शुरुआत भाजपा की मोदी सरकार ने की है। हुड्डा और राहुल गांधी जवाब दें कि इतिहास के 70 साल में अब तक कभी भी उन्होंने किसानों को नियमित सालाना राशि कभी दी है। तीसरे सवाल में सीएम सैनी ने कहा कि भाजपा सरकार ने हरियाणा के किसानों को खराबी पर मुआवजा दिया। हुड्डा जवाब दे कि मुआवजे के नाम 2-2 रुपए का चेक किसानों को देते हुए उन्हें शर्म क्यों नहीं आई। चौथा सवाल में बोले नायब सैनी, भाजपा के 10 साल के शासन में किसान की 1 इंच जमीन पर किसी की बुरी नजर नहीं लगने दी। हुड्डा बताएं कि किसानों की जमीन छीन कर दामाद जी को देने के बाद किसानों से किस मुंह से नजर मिलाते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस और उसके सीएलयू गैंग के चाल चेहरा चरित्र को हरियाणा एक का एक एक किसान पहचानता है। अगर राहुल गांधी और हुड्डा जी किसानों से कान पकड़कर 100 बार भी माफी मांगे तो भी किसानों के साथ की गई अपनी गलती से मुक्त नहीं होंगे। जल्द ही मिलेंगे एक नई खबर के साथ। और हाँ, आप हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो करना ना भूलें।